हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की, और इसको हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रास्ट में INS विक्रमादित्य के। तो कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था INS विक्रमादित्य पर, जहां पर हमने INS विक्रमादित्य पर हो रहे इंसिडेंट्स को डिस्कस किया था और रेगुलर फायर की बात करी थी। और ये चीज़ यहाँ पर हमने डिस्कस करी थी कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो INS विक्रमादित्य के साथ जो मेंटेनेंस इंसिडेंट्स हैं वो शुरुआत से ही हो रहे हैं, और तब से हो रहे हैं जब से ये कीव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर था। चाहे यहाँ पर हम बॉयलर रूम में फायर की बात कर लें, चाहे हम पॉइजनस गैस लीक की बात कर लें, तो ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो हमने INS विक्रमादित्य में देखे हैं, और इस चीज़ के लिए हमने INS विक्रमादित्य को क्रिटिसाइज भी किया हुआ है। लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि जो INS विक्रमादित्य है ये मॉडिफाइड सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर बाकू है, जो कि लेट 70s और अर्ली 80s का डिज़ाइन है। ऑल दो यहाँ पर काफ़ी हैवी मॉडिफिकेशन किए गए हैं, पर एक्चुअल में इसे डिज़ाइन 70s में ही किया गया था, तो कई डिज़ाइन लिमिटेशन भी साथ में हैं। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ काम करना थोड़ा चैलेंजिंग भी है। स्टोबार डिज़ाइन है तो मेंटेनेंस भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। अभी पिछले 2 साल से ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मेजर रिफिट में गया था, और आने वाले कुछ दिनों में इसको दोबारा से इंडियन नेवी की सर्विस में रिजॉइन कराया जाएगा। लेकिन आज जिस हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करने वाले हैं, ये एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, 21st सेंचुरी डिज़ाइन है, और इसे 2019 में ही सर्विस में कमीशन किया गया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रॉयल नेवी के फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की, जो कि एक क्वीन एलिजाबेथ क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये 2019 से ही रॉयल नेवी की सर्विस में है, और जब से ये सर्विस में है तब से रफली खाली 90 दिन यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने ही इसने अपनी सर्विस जो है वो रॉयल नेवी को दी है। बाकी समय ये एयरक्राफ्ट या तो मेंटेन किया जाता है या तो इसमें कोई परेशानी जो है वो निकल कर सामने आती है। इस बार इस एयरक्राफ्ट कैरियर को यूनाइटेड स्टेट्स जाना था 4 महीने के डिप्लॉयमेंट पर, जहां पर मेजर एक्सरसाइजेज जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ करी जानी थी, जिसमें US नेवी के साथ साथ US मरीन कोर का भी इन्वॉल्वमेंट होता और इसको फ्लैगशिप नेटो एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर इस्टेब्लिश किया जाता। लेकिन US पहुंचने से पहले ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो डैमेज हो गया और US पहुंचने लायक ही नहीं बचा। और ये जो डैमेज है ये छोटा मोटा डैमेज नहीं है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो प्रोपेलर शाफ्ट है वही डैमेज हो गई। तो क्वीन एलिजाबेथ क्लास के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये स्टॉल एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग, तो यहाँ पर आपको अरेस्टिंग केबल वगैरह नहीं मिलता है, और शॉर्ट टेक ऑफ के लिए स्की जंप यहाँ पर मिल जाता है। तो बेसिकली ये एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर एरियल ऑपरेशन के लिए ये एयरक्राफ्ट पर ही रिलाई करता है। जो मेंटेनेंस वगैरह है एयरक्राफ्ट कैरियर की एरियल ऑपरेशन को सपोर्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना ही अरेस्टिंग वायर है ना ही कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम है। ऑल दो शुरुआत में कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर इसे बनाया जाना था, पर कॉस्ट कटिंग के लिए इसे स्टॉल ही रखा गया। यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने में जो कॉस्ट लगा है वो अराउंड £3.5 बिलियन है, और अगर आप इसकी सर्विस को देखें 2019 से लेकर, तो ये पैसा जो है वो ऑलमोस्ट पानी में फेंका गया है, क्योंकि पूरे 4 साल की सर्विस में इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने खाली 90 दिन ही सर्व किया है। बाकी 2020 में भी इसका एक वीडियो आया था जिसमें जो इंजन रूम है उसमें पानी भर गया था और जो इलेक्ट्रिकल्स हैं वो सारे डैमेज हो गए थे, और ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो 5 महीने में 2 बार नोट किए गए थे। और इन सब चीज़ों को रिपेयर करना जो है वो काफ़ी बड़ा टास्क होता है, महीनों के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को पोर्ट पे जाना पड़ता है और रिपेयर प्रोसेस जो है वो चलता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यहाँ पर ये है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो काफ़ी नया है, तो ऑनबोर्ड इस एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35B वेरिएंट को ऑपरेट किया जाएगा, जिसको F-35 के तीनों वेरिएंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और सर्विस हंगरी माना जाता है। अगर हम F-35C वेरिएंट की बात करें, जिसको नेवल ऑपरेशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, US नेवी खुद इस एयरक्राफ्ट कैरियर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम में रस्टिंग नोट करी गई है, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में काफ़ी फ़र्क आया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो समुद्र का एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी हार्श होता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम को काफ़ी फ़र्क पड़ता है, स्पेशली अगर वो एयर फ्रेम एक 5th जनरेशन फाइटर का हो, जहाँ पर डिफरेंट कोटिंग करी गई हो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये परेशानी US नेवी ने F-35C के साथ फेस करी हुई है, जिसकी वजह से जो उनके ऑर्डर्स हैं वो प्रोजेक्टेड ऑर्डर संख्या से कम दिए गए हैं, और US नेवी FA-18 ब्लॉक 3 के और नंबर्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही है। वहीं पर बात करें F-35B की, तो F-35B के जो सी ऑपरेशंस हैं वो हमने अभी तक काफ़ी लिमिटेड नंबर में देखे हैं,
तो ये परेशानी अभी तक पूरी तरीके से बाहर निकल कर नहीं आई है, लेकिन इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि जो एयरफ्रेम को लेकर इश्यूज F-35C में आए थे वो B में भी फ्यूचर में दिखाई दे। तो यहाँ पर जिस तरीके का कॉम्प्रोमाइज रॉयल नेवी ने किया है क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर, ये इनको सस्ता पड़ने के बजाय फ्यूचर में काफ़ी महंगा पड़ सकता है और अभी भी पड़ रहा है। बेटर इनके लिए ये होता कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को या तो कैटोबार ही एक्सेप्ट किया जाता या तो इसे स्टोबार में कन्वर्ट कर दिया जाता, तो यहाँ से कम US की तरह FA-18 सुपर हॉर्नेट को ऑपरेट कर पाते। क्योंकि इंडियन नेवी के ट्रायल्स के बाद ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट जो है ये स्टोबार ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, पर ओरिजिनली जो कैटोबार डिज़ाइन सोचा गया था वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेन करना और ऑपरेट करना एक काफ़ी बड़ा टास्क है और रेगुलर इश्यूज जो हैं वो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ दिखते ही रहते हैं, चाहे आप रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, चाहे आप चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, चाहे आप क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर की ही क्यों ना बात करें। तो यहाँ पर हमें INS विक्रमादित्य को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि जितना समय वो एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में था मोस्टली उसने अपनी सर्विस जो है वो प्रॉपरली सर्व करी थी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।